खबरों में बात कर लेते हैं झारखंड की। तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष का जो है हंगामा जारी है। नियोजन नीति को लेकर विपक्ष ने विधानसभा मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। हालांकि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर विपक्ष को फरार घोषित कर दिया है। वो तो वैसे भी चले गए। अब विपक्ष एब्सकॉन्डर हो गया। टीशर्ट खुलवा दिए सर। आज सर जो 740 का गतिरोध था वो समाप्त हो गया। चलते सत्र में आप जवाब देंगे। कहा वो तो नहीं, वो तो वैसे भी चले गए। अब विपक्ष एब्सकॉन्डर हो गया। टीशर्ट खुलवा दिए सर। तो एक तरफ जहां विपक्ष हंगामा झारखंड में कर रही है, तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि विपक्ष एब्सकॉन्डर हो गई है, विपक्ष फरार हो चुकी है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से सहयोगी नौशाद हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। नौशाद, सबसे पहला सवाल, लगातार झारखंड में हंगामा मचा हुआ है, सदन में हंगामा मचा हुआ है। नियोजन नीति 1932 को लेकर बीजेपी, विपक्ष जो है, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण की मांग करती है, पर मुख्यमंत्री मात्र एक वर्ड कहते हैं कि विपक्ष एब्सकॉन्डर हो चुकी है, फरार हो चुकी है। क्या कहेंगे इस पर, क्या ये पूरा मजमा है, समझाइए जरा। मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 दिनों से लगातार विधानसभा जो सत्र है, यूं कहें कि बाधित हो रहा। बाधित होने के पीछे वजह है कि विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। हमलावर इसलिए है कि उन्होंने विपक्षों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया था उससे मुकर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि जिस तरह से राज्य में 1932 स्थानीयता की नीति बात कर ले या फिर नियोजन नीति की बात कर ले, विपक्षों का कहना है कि सरकार ने नियोजन नीति लाई तो जरूर, लेकिन उस धराशायी हो गए। यानी कह सकते हैं कि उसके बाद भी मुख्यमंत्री लगातार आशीर्वाद यात्रा, जोहार यात्रा के माध्यम से गांव गांव शहर शहर जा करके लोगों को 1932 और स्थानीयता नीति लाने की बात कर रही है। अब सवाल यहाँ उठता है राहुल, की जिस तरह से विपक्षों का कहना है कि एक तरफ जहाँ राज्य की युवा सड़कों पर नौकरी के लिए हंगामा कर रहे हैं यानी दर दर भटक रहे हैं, और मुख्यमंत्री विधानसभा में चुप है। मामला यहाँ ये नहीं है, मामला यह है कि पिछले 2 दिनों से लगातार विपक्ष जो है एक टी शर्ट पहन करके पहुंच रहे हैं, और टी शर्ट में लिखा 1932 नहीं चलवो। यानी कि उनका कहना है कि आप नियोजन नीति जो लाए हैं उसे क्लियर किया जाए, किस नियोजन नीति के तहत यहाँ पे स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलेगी, विपक्षों की यह मांग है। आप कह सकते हैं राहुल की हर दिन लगातार विधानसभा सदन को देखने के लिए कई सैकड़ों की संख्या में, आज अगर बात करें तो आज लगभग 50 छात्र, यानी स्कूल की छात्र छात्राएं, बच्चियां, बच्चे आ करके सत्र को देख रहे। नौशाद, अब इस पूरे मामले पर जहां विपक्ष के तमाम सवाल है जो बहुत वैलिड नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं, अगर 1932 आपने पारित करवाया तो आप उसे इंप्लीमेंट करने से बच क्यों रहे हैं, मुख्यमंत्री इस पर प्रतिक्रिया देने से क्यों बच रहे हैं, नौशाद क्या दिक्कत आ रही है? देखिए राहुल, सदन 17 दिन का कार्य दिवस था और आज 10 दिन था, यानी कह सकते थे कि 7 दिन अभी बाकी है। सरकार कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट कर रही है। आज अगर बात करें तो जल नल की बात हो रही थी, वहां पे उसे पारित किया गया, तो 7 दिन बाकी है। 7 दिन में अंतिम दिन जो होता है मुख्यमंत्री का होता है। यानी आप कह सकते हैं कि जिस तरह से सत्ता पक्ष सारे मुद्दों को लेकर के सदन के अंदर बैठ रही है, विपक्ष एक ही सवाल उठा रहा है, नियोजन नीति। 3 दिनों से लगातार नियोजन नीति और स्थानीय नीति 1932 को लेकर लगातार हमलावर है। कह सकते हैं कि उनका, विपक्षों का कहना है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो नियोजन नीति लाए उसमें युवाओं को किस तरह रोजगार मिलेगी। आपने सुना मुख्यमंत्री जब सत्र खत्म होकर हुआ, शाम को जब वापस सदन के बाहर आए तो उन्होंने एक अंग्रेजी का वर्ड कहा कि एब्सकॉन्डर, इसका मतलब आप समझ सकते, यानी फरार। तो जिस तरह से विपक्षों का बर्ताव सदन के अंदर और बाहर दिख रहा है, मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ा। 7 दिन बाकी है, धीरज कर लेते, मंत्रणा समिति की बैठक होती है लगातार दोनों विधायकों का आचरण को लेकर के। लेकिन नौशाद यहां समझने वाली बात यह है कि विपक्ष का काम भी तो यही होता है ना कि वो लगातार सरकार पर सवाल उठाएगी, सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। क्या इस पर जरूरत नहीं है कि विपक्ष को एक ऐसा जवाब दिया जाए कि विपक्ष चुप्पी साध ले?
देखिए जहाँ विपक्ष ने वहाँ विकास नहीं, बिल्कुल ये तो फैक्ट बात है। विपक्ष का काम है कि सत्ता पक्ष से दबाव बना करके विकास करना, काम लाना, लेकिन जब विधानसभा के अंदर, सदन के अंदर जब सत्र को संचालित किया जाता है, लगातार एक ही मुद्दा छाए रहता है, नियोजन नीति। और यह तो तब हो गया जब कई बार विधायक, विपक्ष के विधायक भी बात कर ले, सत्ता पक्ष के विधायक भी बात कर, बेल तक पहुंच जाते हैं। तो आचरण में अपने सुधार लाने की जरूरत है। और कह सकते हैं कि लगातार जिस तरह से सदन की कार्यवाही बाधित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं राज्य का विकास भी बाधित हो रहा है। आज आपने सुबह देखा कि नौशाद बिल्कुल बिल्कुल नौशाद, इस पूरे मामले पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने हो सकती है नौशाद, लेकिन कहीं ना कहीं समझने वाली बात यह है नौशाद कि विपक्ष तो लगातार सवाल उठाएगा ही ना नौशाद, क्योंकि अगर विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा तो फिर राज्य का विकास कैसे होगा। विपक्ष तमाम जो पॉइंट्स उठा रहा है वो बेकार के पॉइंट्स है नहीं, वो रोजगार पे बात कर रहा है, नियोजन नीति पर सवाल उठा रहा है, कहीं ना कहीं अगर ये सवाल उठाए जाएंगे तभी तो सत्ता पक्ष इस पर काम करेगा। नौशाद, सत्ता पक्ष का कहना है कि इस तरह के नियोजन नीति ला रहे हैं उस पर बहस होगी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री उसका जवाब देंगे, लेकिन जिस तरह से अड़ियर रवैये के वजह से विपक्ष लगातार हमलावर हो रही है एक ही बात को लेकर, क्योंकि 7 दिन बचा है, 7 दिन में पिछले 1 साल का विकास होना है, और अगर सवाल सदन में कार्यवाही अगर बाधित हो तो आप देख लीजिए कि राज्य का विकास क्या होगा, राज्य का पैमाना क्या होगा, जो लोग स्थानीय अपने जनप्रतिनिधि को चुन करके किस लिए भेजते हैं, भेजते इसलिए कि उसके क्षेत्र का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, और अगर सदन में एक ही मुद्दा छाए रहेगा तो विकास बाधित होगा। इसलिए हम विपक्षों को भी धीरज रखने की जरूरत है यहाँ पे, और सत्ता पक्ष को भी ये हक बनता है कि विपक्षों को समझाएं कि किस तरह से उन्होंने नियोजन नीति को ला रहे हैं, किस तरह से स्थानीय नीति को ला रहे हैं, किस तरह से 1932 को इम्प्लीमेंट करें ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। बिल्कुल 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 नौशाद, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं ये समझने वाली बात है कि विपक्ष एक तरीके से हंगामा कर रहा है, नियोजन नीति पर बवाल कर रहा है, 1932 पर सवाल कर रहा है। तो मुख्यमंत्री सीधे तौर पर विपक्ष के तमाम सवालों पर कहते हैं कि विपक्ष एब्सकॉन्डर हो चुका है, यानी विपक्ष फरार हो चुका है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री जो है सदन के अंतिम दिन कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, इस पर कैसे एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है रिलीज करते हैं, क्योंकि झारखंड की जो 3.25 करोड़ की आबादी है, उसके तमाम जो बेरोजगार युवा हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नियोजन नीति कब आएगी और कब उस नियोजन नीति के आधार पर उन्हें रोजगार मिलेगा, उन्हें नौकरी मिलेगी। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास पेशकश पर यही तक, बाकी खबरों के लिए बने रहिए रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।